afternoon, dear student. Welcome back to YouTube channel. This is Rana Shah here. Dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से चैप्टर नंबर 17 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। बच्चे याद रखना, लास्ट सेगमेंट के अंदर हमने इससे पिछले वाले टॉपिक में ये देखा था कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होती है। फिर हमने बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम के बारे में पढ़ा, प्लांट हार्मोन को देखा, ऑक्सीजन क्या है, जिब्रिलिन क्या है। ये सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब पर मौजूद है। इससे एक स्टेप नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। बेटे याद रखना, कोऑर्डिनेशन का लिटरली मीनिंग ये है कि जब बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स या सेल या फिर ऑर्गेनेली मिलजुल कर काम करें और एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करें और किसी एक काम को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स अगर मिलकर काम कर रहे हों, इसको नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, इंसान की बात करें, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन करने के लिए अल्लाह पाक ने क्या ही जबरदस्त मैकेनिज्म रखा। इस मैकेनिज्म के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी में जो होने वाली चेंजेस हैं जिनको हम नाम देते हैं स्टिमुलाई, और वही चेंजेस कौन रिसीव करता है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, ब्रेन क्या काम करता है, फिर इनको मोटर न्यूरॉन कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होती कैसे है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन ये है कि वर्किंग ऑफ अ बॉडी पार्ट्स, इसमें पार्ट्स में सेल भी आ जाते हैं, ऑर्गन भी आ जाते हैं। वर्किंग ऑफ अ बॉडी पार्ट फॉर द सिंगल यूनिट एंड क्यूमुलेटिव एक्टिविटी, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कि जब बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट मिलजुल कर एक ही काम परफॉर्म कर रहे हों, उसको नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन। अब इसकी जानी पहचानी एग्जांपल हम सब जानते हैं लेकिन गौर नहीं किया कभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइटिंग विद हैंड। हम बाज़ औक़ात हाथ के जरिए से लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं या हैंड रिटन लिख रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे हाथ भी काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी भी काम कर रही है, ब्रेन भी काम कर रही है, आंखें भी काम कर रही हैं, तो ये सारे बॉडी के ऑर्गन मिलकर एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं, इसी चीज को तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो एग्जाम्पल है, बाय मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हार्ड वर्किंग के दौरान या फिर एक्सरसाइज के दौरान या फिर रनिंग के दौरान आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर, बॉडी में लेग्स भी काम कर रही हैं, ठीक है, मूवमेंट करने में हैंड्स भी हेल्प कर रहे हैं, माउथ भी, ठीक है, ब्रेन भी, आईज भी, नोज भी, हर चीज, इवन के हर बॉडी का पार्ट्स मिलजुल कर काम कर रहा होता है, इसी चीज को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। होप सो आपको कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की, कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है या कितनी टाइप्स हैं। डियर स्टूडेंट याद रखना, दो टाइप की कोऑर्डिनेशन है। एक को नाम दिया जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द केमिकल, दूसरी है नर्वस कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द न्यूरॉन। सबसे पहले हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन अक्कर होती है ड्यू टू न्यूरॉन हार्मोन की वजह से, बहुत सारे केमिकल की वजह से, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। जबकि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड सेल और न्यूरॉन लिंक्ड टुगेदर डायरेक्टली और वाया द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि नर्वस सिस्टम के अंदर या तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, या तो वो काम कर रहे होते हैं, या फिर बॉडी का कोई भी सेल ऑर्गन न्यूरॉन के साथ लिंक्ड होके काम परफॉर्म कर रहा होता है, इसको आप नाम देते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। डियर स्टूडेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो कोई भी चेंजमेंट है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उस इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज इन द बॉडी, उसको आप नाम देते हैं स्टिमुलाई। सर्दी है तो गर्मी में अचानक तब्दील हो जाना, गर्मी है तो सर्दी में दरवाजे का नॉक करना, ये सारी जो है ना चेंजेस हैं। और हमारी बॉडी के रिलेटेड चेंजेस जितनी भी हैं, हमारे एनवायरनमेंट के साथ जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में होने वाली चेंजेस हैं, उनको नाम दिया जाता है स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस जिसको रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, ये सेंसरी न्यूरॉन की मदद से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंटर न्यूरॉन मौजूद है, फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर तक ये हिदायत, ये नर्व इंपल्स पहुंचती है, और इफेक्टर में शामिल है मसल्स और ग्लैंड, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन होती हैं जिनको रिले न्यूरॉन या जिनको एसोसिएटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म है कि किस तरह से हमारी बॉडी में से जो है ना बाहर की होने वाली तब्दीली ब्रेन तक पहुंचती है,
ब्रेन से फिर जो पैगाम मिलता है वो उस पर रद्देमल कैसे होता है, रेस्पॉन्स कैसे होता है, ये एक मैकेनिज्म था कोऑर्डिनेशन का। अब हम बात करते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन के लिए कंपोनेंट देखे जाएं तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस के बाद बात करें, स्टिमुलस को रिसीव करने वाला जो स्पेशलाइज ऑर्गन है उसको नाम दिया जाता है रिसेप्टर। इनमें हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, देयर आर थ्री मेन एलिमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द नर्वस कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले है रिसेप्टर, नेक्स्ट है न्यूरॉन, थर्ड वन है इफेक्टर। हम जो है ना इनको एक एक लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह न्यूरॉन के ऊपर, और उससे अगला जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 वो होगा इफेक्टर के ऊपर। अब ये रिसेप्टर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल है, कोई ऑर्गन है, न्यूरॉन एंडिंग भी हो सकती है या फिर रिसेप्टर ऑर्गन विच कैन डिटेक्ट एनी स्टिमुलस, दैट इज नोन एज रिसेप्टर। ये रिसेप्शन से लफ्ज निकला हुआ है, यानी पैगाम को मौसूल करने वाले, रिसीव करने वाले। हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे जो है ना हैंड्स के ऊपर भी हैं, टच रिसेप्टर हैं, मैकेनो रिसेप्टर हैं, प्रेशर रिसेप्टर हैं, कोल्ड रिसेप्टर हैं, बहुत सारे रिसेप्टर हमारी बॉडी के ऊपर सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब बेटे रिसेप्टर जो है ना डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को, ये शो करते हैं मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन को। रिसेप्टर सेंड न्यूरॉन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दिस स्टिमुलाई शुड बी लाइट, कोई भी स्टिमुलस लाइट की सूरत में, इसी तरह से टेम्परेचर की सूरत में, प्रेशर की सूरत में, हीट, पेन एंड टच, दीज आर द स्टिमुलस विच काज रिसेप्शन फॉर द रिसेप्टर। अब हमारा ब्रेन है, अगर हम ब्रेन की बात करें, हमारे ब्रेन को एक काम तो नहीं है, हमारे ब्रेन को बहुत सारे काम कर परफॉर्म करने हैं। अब आप देखें ब्रेन के पास एक काम नहीं है, मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन को संभालने के अलावा हाइपोथैलेमस का, थैलेमस का और भी बहुत सारे रोल है। अब एक ब्रेन है उसके पास स्पेसिफिक जो एरिया है देखें, वो स्मेल, टेस्ट, टच, सीइंग, हेयर, इन सब कामों को परफॉर्म करने के लिए वो स्पेसिफिक रीजन अपने पास रखता है। अब एक ब्रेन की परफॉर्मेंस करने के लिए, ये मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन करने के लिए भी स्पेसिफिक रीजन होने चाहिए, और वो स्पेसिफिक रीजन हम डेली बेस पे एक्सपीरियंस करते हैं, जिनमें से पहले हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 5 मेजर टाइप्स के जो है ना रिसेप्टर इस आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, जिनमें से पहले नंबर पर है कीमो रिसेप्टर, सेकेंड वन इज मैकेनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर एंड लास्ट वन इज नोन एज नोसीसेप्टर। सबसे पहले अल्टरनेटिवली इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कीमो रिसेप्टर, this is the receptor which shows the movement या which shows activity in response to the chemical, chemo mean chemicals है, receptor for smell, taste, blood concentration, CO2, oxygen, glucose, amino acid, fatty acid, इन सब के अंदर जो reception है, receptor cause कर रहे हैं, वो हमारे पास chemo receptor होते हैं। कोई भी stimulus blood की हो, carbon dioxide level हो, oxygen hemoglobin level हो, ग्लूकोज लेवल हो 0.8% वाला, ये सारे जो है ना कंट्रोल होते हैं कीमो रिसेप्टर की मदद से। और याद रखना इसको हम ऑस्मो रिसेप्टर भी कह सकते हैं। ये क्यों कहा ऑस्मो रिसेप्टर, द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक रेगुलेशन इन द ब्लड कंसंट्रेशन, या ब्लड में CO2 को, ऑक्सीजन को, इन चीजों को मेंटेन करना, ग्लूकोज को, गैसेस को मेंटेन करना, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है ऑस्मो रिसेप्टर। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर, दोज रिसेप्टर विच डिटेक्ट चेंजेस या स्टिमुलाई ऑफ टच, प्रेशर, हियरिंग, इक्विलिब्रियम, दीज आर नोन एज मैकेनो रिसेप्टर। इनके अंदर 3 मेन कैटेगरीज हैं, फ्री नर्व एंडिंग, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग और स्ट्रे एंडिंग। अब ये 3 हमारे पास टाइप के जो है ना नर्व एंडिंग बताया गया है, इनको हमने सेंसरी रिसेप्टर के साथ, स्कैन के साथ बयान किया है। फ्री नर्व एंडिंग में जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो है, और न्यूरॉन की जो मूवमेंट एक्टिविटी है वो भी बहुत स्लो है। जो स्ट्रे एंडिंग है, न्यूरॉन इंटरलिंक्ड होते हैं ऐसे, कैसे जो रैंडम सिचुएशन में पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा न्यूरॉन जा रहे हैं। अब आखिरी है एक्सपेंडेड टिप एंडिंग, ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन हो सकते हैं जो ब्रेन से पैगाम को जो है ना मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब है हमारे पास फोटो रिसेप्टर, एज द नेम इंडिकेट दैट फोटो मीन लाइट, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर भी कहा जाता है। द रिसेप्टर विच रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट
फॉर एग्जाम्पल हमारी आईज की बात करें तो वहां पर कौन सेल मौजूद है, रॉड सेल मौजूद है, तो इनकी जो स्टिमुलस रिसीव करते हैं उनको फोटो रिसेप्टर कहते हैं। सेकेंड लास्ट है थर्मो रिसेप्टर, थर्मो मीन हीट, फ्री नर्व एंडिंग शोज रेस्पॉन्स टू द कोल्ड एंड वार्म्थ, दीज आर कॉल्ड थर्मो रिसेप्टर। ये हमारी बॉडी के हाइपोथैलेमस में मौजूद है और ये क्या काम करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेनेंस करते हैं। लास्ट है दैट इज नोन एज नोसिसेप्टर, द रिसेप्टर विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ अ पेन, और ये अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग होते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी अगर तकलीफ है, कोई भी कोई पेन है, ठीक है, उस चीज की जो रिसेप्शन है या केमिकल स्टिमुलाई है वो किससे हासिल होती है, नोसिसेप्टर से हासिल की जा सकती है। मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन। तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमारी जो फाइव सेंसेस हैं, इन फाइव सेंसेस को रिसीव करने वाले जो केमिकल है या फिर रिसेप्टर है, उनकी जितनी भी डेली बेस पे एक्सपीरियंस करते हैं हम, उसको आप नाम देते हैं मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन। कैसे, ईच टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ, फॉर एग्जाम्पल पेन, टच, साइट, साउंड, डिफरेंट नर्व फाइबर प्रोड्यूस नर्व इम्पल्स विच काज सेंसेशन, कि डिफरेंट नर्व फाइबर से नर्व इम्पल्स पैदा होती हैं, वो मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन पैदा करती हैं, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर टू स्किन, इसके अंदर थ्री डिफरेंट टाइप के सेंसरी नर्व एंडिंग मौजूद होते हैं, उनमें पहले नंबर पर है कुछ जो है ना बेस ऑफ हेयर पर मौजूद होते हैं, यानी हाइपोडर्मल सेल या हाइपोडर्मल टिश्यू कह लें। इसके अलावा मेसनर कार्पसल हो गया और लास्ट है पेसिनियन कार्पसल। जो मेसनर कार्पसल है ये स्पेशलाइज्ड हैं फॉर टच रिसेप्टर, पेसिनियन कार्पसल है ये स्पेशलाइज्ड हैं प्रेशर रिसेप्टर के लिए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट ये भी याद रखना, जो आपने रिसेप्टर के बारे में पढ़ा, ये रिसेप्टर की अबेंडेंस है। कुछ रिसेप्टर बॉडी में ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना किसी दूसरी बॉडी के पार्ट्स, एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, आप जो है ना किसी चीज को, अगर ये कोनी है ना, ठीक है, एल्बो, इसके जरिए से किसी चीज को टच करना चाहें और हाथ के जरिए से टच करना चाहें, तो आप ये देखें आप हाथ के जरिए से जल्दी टच कर पाते हैं बनिस्बत कोनी के या किसी दूसरे बॉडी के पार्ट्स है। तो कहने का मतलब हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर है जहां भी मौजूद है, लेकिन इनकी लोकेशन और अबेंडेंस, जो मिकदार है, जो तादाद है, वो डिफरेंट है। अब इसी वेरिएटी की बुनियाद पर हम एक कॉमन एग्जांपल देते हैं कि पेन एरी रिसेप्टर है वो 27 टाइम मोर अबेंडेंट है देन द कोल्ड रिसेप्टर, कि जहां भी बॉडी में छोटा सा भी कांटा भी चुभ जाए तब हमारी बॉडी को जल्दी पता लगता है, बनिस्बत अगर हमारी बॉडी को सर्दी महसूस हो, तो ये कितने टाइम है, 27 टाइम। फाइनल एंड द लास्ट बात कर रहा हूं, कोल्ड रिसेप्टर आर 10 टाइम मोर फास्टर, मोर अबेंडेंट देन द हार्ट रिसेप्टर। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो सर्दी वाले हैं वो 10 गुना ज्यादा हैं, ज्यादा अबेंडेंट हैं बनिस्बत गर्मी वाले के। सो दिस इज ऑल अबाउट रिसेप्टर, थैंक यू सो मच, दिस लेक्चर वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच।